तो कंज्यूमर को कोई सुनवाई होती है बैंक में, मतलब इसके पहले कि एकदम सीधे कानूनी इसमें चले जाए, बैंक और कंज्यूमर के बीच में जो ग्राहक है उनके बीच में कोई रिश्ता ठीक बना रहे और उनके लोन के रिश्ते को ठीक से चलाया जाना चाहिए, इसके लिए कोई कोई विंग है जो ये काम करती है मेडिएशन का विंग काम? तो नहीं, विंग तो नहीं है, पर एक सिस्टम जरूर है। उसके अंदर में क्या होता है कि जीएम लेवल के लोग बैंकों से ब्रांचेस में आते हैं और हेड ऑफिस जोनल ऑफिस में आते हैं, और जोनल ऑफिस में उनको बुलाया जाता है, जो सफरर होता है, अकाउंट होल्डर होता है, और उससे पूछा जाता है कि आप पैसा कब जमा करोगे। उसे ये नहीं पूछा जाता कि आप एनपीए क्यों हो गए और आपकी क्या हम मदद और कर दें ताकि आप एनपीए से बाहर निकल जाएं। तो मदद नहीं होती उसमें, सिर्फ उसमें एक प्रेशर बिल्डिंग होती है, और जीएम को भी अपने नंबर बढ़ाने होते हैं और अपने ईडी को जाके एक रिपोर्ट करनी होती है जिसमें वो बताते हैं कि मैंने इस पार्टी से मिला हूँ, इस पार्टी से ये बात हुई है और इतने के लिए हमने उनको ऐसे ऐसे प्रेशराइज किया, उनकी ये प्रॉपर्टी है, हम इसको लिक्विडेट कर लेंगे, हमने अपने आदमी को बोल दिया है कि आप अपनी प्रोसीड, इसको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स, तो अपनी प्रोसीडिंग्स को एक्सपेडाइट करिए। तो इनका एक ही वर्जन होता है कि प्रोसीडिंग को एक्सपेडाइट करिए, दे नेवर देख द मैटर कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई थी। और कई बार तो क्या कि बहुत छोटी सी मदद कर देंगे तो वो चीज बाहर निकल आएगी, पर सब सुनता कोई नहीं है, सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। बनाते हैं रिपोर्ट, बनाते हैं, आते हैं लोग बाग, पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर प्रेशराइज करो, इनके ऊपर में फोर्स लगाओ और इनके इस काम को एक्सपेडाइट करो, बस इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करो और प्रॉपर्टी को मेरी बेचो। बैंकिंग स्टाफ से बात हुई, मैंने कहा कि इतना आप एक तरफा निर्णय ले लेते हैं और जी व्यापारियों पर इस तरह से हमला कर देते हैं कि जी एक दो उनका ईएमआई डिफॉल्ट हुआ उसके बाद प्रॉपर्टी अटैच करने लगते हैं, उनको प्रेशराइज करने लगते हैं। तो बैंकर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, कोई आप जिस तरह से हमें जल्लाद के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं उस तरह के जल्लाद हम नहीं हैं। वर्ड नहीं होगा है, पर भाव उनका वही होता है, उससे कम भी नहीं होते, उससे कम भी नहीं होते। आज मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से कि जितने भी एनपीएस हैं उसके अंदर में से 50% एनपीए तो इसलिए हैं साहब, 50% एनपीए तो इसलिए हैं क्योंकि दे आर अंडर फाइनेंस्ड, और 25% ऐसे हैं जब उनको कोई टर्निंग पॉइंट आया था जहां उनको एल्बो स्पेस चाहिए था, उनको वो एल्बो स्पेस नहीं प्रोवाइड किया गया, और 25% ऐसे हैं जो किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से मरे हैं। आखिर सबके, आखिर कोई भी बात होगी, कहीं स्लिपेज होगी तो कोई वजह तो होगी। आप चलते हुए रोज अपने ऑफिस में आते हैं, कभी स्लिप नहीं करते, पर एक दिन आप स्लिप करते हैं तो सबसे पहले उठते आप देखते हैं अपने आप को देखने के बाद कि मैं किस वजह से स्लिप किया, कि कोई ऑयल गिरा हुआ था, कोई केले का छिलका था, पानी था, ऐसी क्या चीज थी जो मैं स्लिप कर गया। तो हम उसका उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे कभी किसी जगह पे कोई रीजन फाइंड आउट नहीं किया जाता। और बहुत बड़ी बात, बुरी बात बताऊं आपको अश्वति जी, एक बात अश्वति जी, एक बात करती अश्वति जी, एक इंपॉर्टेंट बात और बता अश्वति जी, एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं आपको कि एक बार अगर कोई आदमी एनपी हो जाता है ना, और वो उसके बाद अपनी संपत्ति वगैरह बेच के और बैंक का पैसा चुकता भी कर देता है, उसने बैंक का पैसा चुका भी दिया, किसी वजह से वो आदमी स्लिप कर गया, वो एनपी हो गया, उसने बैंक का पैसा चुका दिया, उसके बाद अगर वो चाहता है कि मैं दोबारा अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करूं, एक मैं दोबारा से करूं सारा काम करूं, क्योंकि उसका पूरा एक्सपीरियंस है, तो उसको कोई आदमी हाथ नहीं लगाता साहब, उसको 10 रुपए का फंड नहीं मिलता, उसको एक 5 लाख रुपए की कार का भी लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको अछूत बना दिया जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब किसी आदमी ने अगर बैंक का पैसा चुका दिया है तो उसको एक बार फिर से पैसा देने में क्या दिक्कत है? वो आपको संपत्ति भी दे रहा है, मॉर्गेज भी कर रहा है, सब कुछ क्रिएट करने के लिए तैयार है, फिर आप उसको पैसा देने को तैयार नहीं हो, इसमें ऐसी क्या अपराध कर दिया उस आदमी ने? किसी से भी स्लिपेज हो जाती है, कहीं भी किसी की वजह से हो सकती है, उसका उसका एनालिसिस तो किया ही नहीं गया ना। आप देखिए चुनाव के अंदर में भी हार जाते हैं तो पार्टियां क्या बोलती हैं कि हम इसका विश्लेषण करेंगे कि हम क्यों हार गए, इसका तो कोई फॉरम ही नहीं जहां पे विश्लेषण हो। और बल्कि एनपीए उसने पैसा चुका भी दिया अपनी संपत्ति बेच के, उसके बाद बाकी की संपत्ति है जिसको दे के वो आपका पैसा अगला बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसका एक्सपीरियंस है उस सब चीजों का, तो भी उसको मौका नहीं मिलता।